ओके गाइस, सो दिस इज हितेश त्रिपाठी एंड दिस इज एडिटोरियल वीडियो ऑफ क्वेश्चन सी, बैलेंस्ड बिट स्ट्रिंग्स. ओके, कोड फोर्सेस राउंड 668 डिवीजन 2. इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर हैविंग इज अ बिट स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 0 एंड 1. फाइन, अ बिट स्ट्रिंग इज कॉल्ड के बैलेंस्ड इफ एवरी सब स्ट्रिंग ऑफ साइज के ऑफ दिस बिट स्ट्रिंग हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ 0 एंड 1. मीन्स ऑब्वियसली के साइज की है तो के बाई टू ऑफ ईच, एंड यू आर गिवेन एन इंटीजर के एंड ए स्ट्रिंग विच इज कम्पोज ऑफ जीरो वंस एंड क्वेश्चन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क्स. सो यू नीड टू डिटरमाइन वेदर यू कैन मेक अ के बैलेंस्ड बिट स्ट्रिंग बाई रिप्लेसिंग एवरी क्वेश्चन मार्क विद जीरो और वन और नॉट. फाइन, अ स्ट्रिंग ए इज अ सब स्ट्रिंग, ये तो हमें पता है. ठीक है, नाउ सिंपली के इज इवन, ये तो हमें गिवन है, ऑब्वियसली इवन होगा. ठीक है, फाइन. नाउ हमारे पास एक बेस स्ट्रिंग है जिसमें क्वेश्चन मार्क जीरो एंड वन है. सो लेट सी दिस, जीरो वन वन जीरो, लेट वन सेकेंड गाइस, वन जीरो जीरो वन डबल जीरो. ठीक है, तो ये इनिशियली क्या है, ये हमारे पास के बिट स्ट्रिंग है एंड ये यस है, इसलिए हम ये एग्जांपल लेते हैं, वन जीरो जीरो वन वन जीरो. फाइन, दिस इज के बैलेंस्ड बिट स्ट्रिंग वेयर के इज इक्वल्स टू फोर. सो इफ के इज इक्वल्स टू फोर तो इसमें नंबर ऑफ जीरो वन इज टू. इफ के इज इक्वल्स टू फोर नंबर ऑफ जीरो वन इज टू एंड इन दिस के इज इक्वल्स टू फोर नंबर ऑफ जीरो एंड वन इज टू. फाइन, नाउ वन मोर थिंग यू कैन सी इज, लेट्स से लेट्स वी टेक वन जीरो अनादर स्ट्रिंग वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन. ओके, इन दिस के दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो के बैलेंस्ड बिट स्ट्रिंग. अब नाउ हाउ वी कैन चेक दैट, हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट के इज इक्वल्स टू फोर है, हमारे पास क्या मिल गया, के इज इक्वल्स नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वंस हो गए विच इज इक्वल्स टू टू. फाइन फाइन, नाउ अब जब हम एक कैरेक्टर आगे बढ़ेंगे व्हाट विल हैपन इज, हमारा एक यहाँ से हट गया. ओके, देन व्हाट वी नीड इज, जो ये हमारा न्यू कैरेक्टर है इट मस्ट बी वन. ओके, ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली होगी आई होप, दैट ऑन इटरेटिंग वन मोर कैरेक्टर, हम जैसे ही ये बिट के सब स्ट्रिंग एक कैरेक्टर आगे बनाई और दूसरी सब स्ट्रिंग बनाई, उसमें से फर्स्ट कैरेक्टर वन हट गया तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमें क्या चाहिए, इट मस्ट बी वन. ठीक है, ताकि के बैलेंस्ड रह सके. ओके, सो ओके, इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये कैरेक्टर, लेट्स से ये कैरेक्टर एंड दिस कैरेक्टर इज इक्वल. फाइन, अब नाउ जब हम एक और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक जीरो हट गया यहाँ से, है ना, देन दिस कैरेक्टर मस्ट बी ज़ीरो. ओके, देन दिस कैरेक्टर मस्ट बी ज़ीरो, इफ एक ज़ीरो हटाया है तो के बैलेंस्ड होने के लिए, मींस नंबर ऑफ जीरोस मस्ट बी टू करने के लिए, दिस मस्ट बी ज़ीरो. इट मींस ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो ज़ीरो है और ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इक्वल होंगे. फाइन, इन द सेम मैनर दिस फर्स्ट के लेंथ सब स्ट्रिंग विच इज़ ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन विल रिपीट इट सेल्फ. ओके, इन एवरी के सब स्ट्रिंग, तो हमारी सब स्ट्रिंग कुछ ऐसी बनेगी, और वी कैन से हर के कैरेक्टर इक्वल होगा. ठीक है, तो हर फोर्थ कैरेक्टर इक्वल होगा आपस में. इट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू दिस, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, एंड अगर कोई आगे कैरेक्टर होता तो वो भी इसके इक्वल होता, एंड दिस कैरेक्टर विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंड आगे कोई कैरेक्टर होता तो. सो दिस इज द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट जो के लेंथ की फर्स्ट सब स्ट्रिंग है वो खुद को रिपीट करेगी. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली जब एक एलिमेंट यहाँ से हटेगा तो नेक्स्ट एलिमेंट विच वी आर इंक्लूडिंग इन केथ सब
k length substring must be equals to the element which we have removed. ओके फाइन. सो हमारा मेन टास्क क्या है, हम क्या करेंगे अब, हमारे पास लेट सपोज एक स्ट्रिंग है, ठीक है, 10:01:101. लेट से दिस इज आवर एग्जाम्पल स्ट्रिंग. फाइन. नाउ वॉट वी विल डू इज वी विल टेक अ वेक्टर ऑफ के लेंथ इन विच इनिशियली ऑल द कैरेक्टर्स आर क्वेश्चन मार्क. ओके लेट से के इज इक्वल्स टू 4, तो हमने चार लेंथ का एक वेक्टर ले लिया जिसके इनिशियली क्वेश्चन मार्क थे. नाउ वी विल चेक फॉर दिस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, वॉट वी हैव टू चेक इज इसके सारे ये वाले कैरेक्टर चेक करते हैं हम, ठीक है, सारे ये वाले कैरेक्टर चेक करते हैं और कहीं भी हमें 0 या 1 में से कोई एक एलिमेंट मिला, देन वॉट वी विल डू इज वी विल मेक दिस एलिमेंट एज 1. ओके हम क्या करेंगे अब, हमें क्या करना है, इस वेक्टर को सिंपली स्ट्रिंग बनाना है और बिट स्ट्रिंग बनाना है. एंड वॉट वी विल डू इज हम हर कैरेक्टर के लिए अपनी मेन एरे में इटरेट करेंगे और उसका हर kth कैरेक्टर चेक कर लेंगे. एंड इफ एनी ऑफ द कैरेक्टर इज ईदर 0 और 1, देन वी विल सिंपली मेक इट चेंज इन आवर मेन वेक्टर. ओके एंड अगर कहीं पर भी ऐसा हो जाता है कि वेक्टर का हमारे पास पहले से कैरेक्टर है 0 और 1, है ना, लेट से वी ऑफ आई इज 0. ओके एंड हम अपनी स्ट्रिंग में इटरेट कर रहे हैं और कहीं पे एस ऑफ आई हमारे पास 1 मिल जाता है, देन ऑब्वियसली इफ kth कैरेक्टर्स ऑफ मेन स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल देन आवर आंसर विल बी फॉल्स और नो, एल्स आवर आंसर विल बी येस. वन मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन इज हम लोग ने ये वेक्टर तो बना लिया, ठीक है, अब इफ एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जब हमें फर्स्ट कैरेक्टर इस वेक्टर का बनाना है, व्हेन वी हैव टू बिल्ड इट्स फर्स्ट कैरेक्टर, देन व्हेन वी इटरेट इन मेन स्ट्रिंग, ओके जब हम अपनी मेन स्ट्रिंग में इटरेट कर रहे हैं, हमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर ना मिले जो 0 और 1 है, सारे क्वेश्चन मार्क हो जाए. ओके ऐसा हो सकता है कि इसका हर kth कैरेक्टर फॉर मेकिंग फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वी आई एवरी कैरेक्टर इज क्वेश्चन मार्क, इन दैट केस हमारा ये जो वेक्टर है कुछ ऐसा बनेगा. फाइन कुछ ऐसा बनेगा, लेट से ऐसा. ओके फाइन, तो हम इसको कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है, कैसा भी बना सकते हैं, इन द सेंस हमें बस इसमें चेक करना है कि हमारे जो जीरोज हैं वो ग्रेटर देन के बाई 2 ना हो एंड जो वंस हैं वो ग्रेटर देन के बाई 2 ना हो. ओके अगर ऐसा नहीं है, ओके इट मींस हमारे 0 और 1 अभी तक बराबर है, ठीक है, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन मार्क्स वी आर हैविंग इज इधर हम इनको 0 बना सकते हैं और इसको 1 बना सकते हैं, या फिर व्हाट वी कैन डू इज इसको 1 बना सकते हैं, इसको 0 बना सकते हैं. ओके एंड सिंस इसको 1 बनाया है तो हम सारे kth कैरेक्टर को मेन स्ट्रिंग में भी 1 बना देंगे, बिकॉज सारे kth कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो हम सारे kth कैरेक्टर को 1 बना देंगे. एंड सिंस इसको 0 बनाया है तो सिंस सारे kth कैरेक्टर अपनी मेन स्ट्रिंग में भी क्वेश्चन मार्क हैं तो हम उन सारों को 0 बना देंगे. तो इन दिस वे इट दिस इश्यू कैन बी रिजॉल्व. ओके व्हेन यू विल सी कोड ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल सिंपली गेट इट. हमने क्या लिया, सिंपली स्ट्रिंग एस लिया, देन वी टुक वेक्टर ऑफ के लेंथ एंड ऑल कैरेक्टर्स आर इनिशियली क्वेश्चन मार्क, देन बूल ओके इफ इट इज ट्रू, देन ऑब्वियसली फॉर ऑल के कैरेक्टर्स वी हैव मेड अ लूप फ्रॉम 0 to k, ठीक है, हम पहले फर्स्ट कैरेक्टर बनाते हैं अपने वेक्टर का. नाउ वी विल इटरेट इन आवर मेन स्ट्रिंग फ्रॉम आई टू एवरी kth कैरेक्टर. फाइन इफ एस ऑफ जे इज क्वेश्चन मार्क देन ऑब्वियसली कंटिन्यू, इफ
वी ऑफ आई इज क्वेश्चन मार्क और वी ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस ऑफ जे, ठीक है, ये तो हमने एल्स के लिए डाल रखी है, ठीक है। मेन कंडीशन इज दिस, इफ वी ऑफ आई इज क्वेश्चन मार्क देन सिंपली वी ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस ऑफ जे, ठीक है। और एल्स में क्या है, एल्स में आप एक कंडीशन डाल सकते हो, एल्स इफ वी ऑफ आई डज नॉट इज इक्वल्स टू एस ऑफ आई वी एस ऑफ जे, सॉरी, ओके, इफ वी ऑफ आई डज नॉट इज इक्वल्स टू एस ऑफ जे देन सॉल्यूशन इज फॉल्स, ओके, सॉल्यूशन मीन्स ओके फॉल्स, ओके फाइन। सो नाउ एट द एंड वी विल ओनली चेक इन अवर मेन वेक्टर दैट नंबर ऑफ जीरोज विच इज सी वन एंड नंबर ऑफ वंस विच इज सी टू आर नॉट ग्रेटर देन के, इफ दे आर देन ऑब्वियसली आंसर विल बी फॉल्स एंड इफ नॉट देन आंसर विल बी येस, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन ऑलवेज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द थम्स अप बटन एज इट मोटिवेट्स मी, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवन्ट डन येट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।